विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू के घी में मिलावट को लेकर बड़ी खबर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी से घी विवाद पर पूरी रिपोर्ट मांगी। देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी आज मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात भी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि रिपोर्ट आने के बाद धार्मिक परिषद के नेताओं से सलाह ली जाएगी, इसके बाद मंदिर परिसर के शुद्धिकरण को लेकर फैसला होगा। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने कहा है कि इस मामले में दोषियों की कार्रवाई के साथ ही इस बात पर एक्शन होगा कि आगे ऐसा कुछ न हो सके। इस बीच एक और खबर है कि देवस्थानम बोर्ड में इस मामले को लेकर आपात बैठक बुलाई गई। अडल्ट्रेशन हुआ है बोल के एनडीटी भी ये बोला है, रिपोर्ट क्लियर है, तो डिनाई करने के लिए क्या है, ये एलिगेशन नहीं है, ये फैक्ट्स है। फैक्ट लेके चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात किया, वो अनाउंसमेंट करा, सब एक्शन थोड़ी लेंगे ना सर। केंद्र सरकार से भी बात चल रही है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की है गिरिराज सिंह ने, उसके ऊपर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट भी करेगा, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, बट केवल एक सीबीआई इंक्वायरी से हम ये इश्यू नहीं छोड़ेंगे। और तीन स्टेप्स लेने का है और इसको फुल स्टॉप रखना है। सीबीआई इंक्वायरी से जो हुआ है, क्यों हुआ है, किसने किया है, वो पता चलेगा, पर जो आने का है, आने दिन का है ना, फिर ये नहीं होने का है। तो उसके लिए क्या करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो करना है उसके ऊपर भी एक टीम रखना है कि मुख्यमंत्री का सोच है, वो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करेगा। सर इतनी बड़ी घटना से एक एक बात तो हुई है कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंची, तो क्या कहेंगे? सी यही होता है कि अगर मुख्यमंत्री का विजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, ऐसे दिक्कत होता है। क्योंकि जगनमोहन रेड्डी के पहले कई मुख्यमंत्री आए थे, कोई भी तिरुमला के पास नहीं गया, ऐसी चीज नहीं किया, बहुत दुखद मेरे को भी आता है। चलिए इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे विवाद को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तिरुपति देवस्थानम में बालाजी को चढ़ाने वाले प्रसादम में मिलावट को लेकर सवालों की फेहरिस्त भी बढ़ रही है और लापरवाहियों पर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। सवाल उठ रहे थे कि अगर घी की सप्लाई में गड़बड़ी थी तो क्या इसकी जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी? आज तक को मिली घी के टेंडर की कॉपी से इस मामले में बड़ी लापरवाही के संकेत मिले हैं। सबसे पहले देखते हैं देवस्थानम में टेंडर के लिए क्या नियम है। नियम संख्या 80 के मुताबिक घी के हर खेप के लिए NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का सर्टिफिकेट देना जरूरी है। नियम संख्या 81 में लिखा है कि देवस्थानम के लिए अनिवार्य है कि वो घी के सैंपल जांच के लिए भेजे। सवाल यही है कि क्या अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के बीच घी के सैंपल जांच के लिए नहीं भेजे गए? क्या उस दौरान आई घी की खेप के लिए NABL के सर्टिफिकेट की जाँच नहीं की गयी थी? आंध्र प्रदेश सरकार ने देवस्थानम से घी के टेंडर और प्रसादम को लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद धार्मिक परिषद के नेताओं से इस बारे में सलाह ली जाएगी कि क्या मंदिर परिसर का शुद्धिकरण किया जाना जरूरी है। इस बीच तिरुपति में बालाजी के दर्शन के लिए भक्तों की चहल पहल पहले जैसी है, लोगों को अब भी प्रसादम पर वैसी ही श्रद्धा है। कुछ रिपोर्ट्स जो दिखाए जा रहे वो रिपोर्ट्स को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि यह तिरुपति भगवान तिरुपति बालाजी का देवस्थान है, यहाँ पर कोई भी गलत काम करेगा ऐसा हो नहीं सकता, और लड्डू में कुछ मिलावट होगी ऐसा 101% हमें नहीं लगता है। जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है ये सिर्फ अफवाहें हैं, ये रियलिटी नहीं है। हम तो थैलियां भर भर के लड्डू लाए हैं, भले आप देख सकते हैं, देखिए हम कितने सारे लड्डू, हम तो और लेने के लिए थे आए थे, पर ठीक है सबको बांटेंगे, वहां जाके सबको प्रसाद का वितरण करेंगे। प्रसादम में मिलावटी घी के विवाद को लेकर तमिलनाडु के डिंडीगुल में AR डेयरी फूड को नोटिस जारी किया गया है। मिलावटी घी की रिपोर्ट आने के बाद AR डेयरी फूड का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने एक बार फिर कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड को घी की सप्लाई का ठेका दे दिया है। तिरुपति से अपूर्वा जयचंद्रन के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
अपूर्वा जयचंद्रन हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। अपूर्वा, इस मामले में आज क्या हलचल है, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? आशुतोष, अभी हमें पता लगा है कि एक क्लोज डोर मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग अभी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में के बोर्ड ने अभी तय किया है। इस इमरजेंसी मीटिंग में ईओ होंगे, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो रहेंगे, उनके साथ जो दीक्षितल है, मतलब जो भी संत है यहाँ के, वो लोगों के साथ जो शुद्धिकरण करने का जो भी व्यवस्था होगा आगे का, कैसे तिरुमला को वापस से जो आगम शास्त्र के तय पे शुद्धिकरण करेंगे उसका नियम क्या होगा, कैसे करेंगे उसका शास्त्र के परंपरा के साथ जैसा करना है वो शुद्धिकरण के लिए वो की डिस्कशन अभी जारी है। इसके बाद आज शाम को ईओ जो है श्यामला राव वो जाके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट जो है जो बाहर आया था जो अडल्ट्रेटेड फैट के बारे में भी बात की थी, इस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का के पास और आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने जा रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी इस जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है जो अभी जारी है तिरुमला में, इस मीटिंग के पहले ही श्यामला राव जो कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ईओ है, उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी जो भी इस हादसा के ऊपर जो भी डिस्कशन है उसके ऊपर भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और अपडेट किया था कि जिस तरह से कहां से टेंडर आया था, किसने अप्रूवल लिया था, ये सब का भी जो भी जांच विचार है ये सब डिस्कशन हुई थी और अभी जो है ये एक क्लोज डोर इमरजेंसी मीटिंग अभी जारी है। अपूर्वा, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने इस विवाद में पहले की जगन सरकार को निशाने पर लिया है। राष्ट्रीय विज्ञप्ति एन टी रामाराव ग अदान प्रवेश तिरुमल पैन दाने नासीरक भोजन पैस्थिचार इट कल में दाने पर अनेक कंप्लें कड़ा प्रसाद कंप्लें पैस्थिंद इवन नाण्यम అక్కడ ఏవైతే మన దానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులన్నీ కూడా నాసిరకం వాడడం, అదే కాకుండా పవిత్రమైన దేవాలయాల్లో కూడా అపవిత్రమైన ముడి సరుకులు వాడడం, ఇలాంటివన్నీ చేసి కంపు చేశారు. లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ క్యాటిక్ డిస్టర్బింగ్ అండ్ వీ యూస్ టు గెట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్. So once our government took place, I think the constant complaint was there is the quality of prasad is very, very bad. No, we didn't understand in the beginning. I said, where it could go wrong? So for last 1 month, because the moment if you look at it, so they have a supplies of months ahead supplies. So the ghee and whatever material they have procured, they'll buy it in bulk and they'll have a supply. So the consistent supplier was from Karnataka. So they made, under the blame, they said, okay, this supplier is not good, we are changing it. और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मुख्यमंत्री का उन्न व्यक्ति ये मादरी का अपद्दल आड़ं धर्म में ना कोनी कोट्ल मंदि वेंकटेश्वर स्वामी भक्तुलु देशव्याप्तंगा कादु प्रपंचव्याप्तंगा उन्नारु వారందరి మనోభావాలను తో ఆడుకోవడం ధర్మమేనా? तो दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। पहले आपने सुना पवन कल्याण को, उसके पहले चंद्रबाबू नायडू को, फिर जगनमोहन रेड्डी को। देवस्थानम के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले तेल मिलाए जाने पर घमासान है। अगर ऐसे हर जगह धोखाधड़ी चलती है तो ये अच्छी बात नहीं है। इस तरह के जो कुकर्म किए गए उसके लिए सीरियस एक्शन देखना चाहते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी को कंडक्ट करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, जो भी हिंदू विश्वासों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे लोगों के प्रति, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ये हमारी आग्रह है। ऐसे हिंदू बाहुल्य राज्य देश में
इतने बड़े खुलासे को इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं करना हम मानते हैं कांग्रेस का बड़ा पाप है। जगन सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में खड़ी रहती थी, नायडू साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कोई भी जिम्मेदार हो, हम चाहते हैं कि उनके नाम सार्वजनिक हों और उनको तुरंत फास्ट ट्रैक पे उनकी जांच हो और सजा मिले। इससे कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा जैसा मैंने आपको कहा, पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं के मन में एक गुस्सा है, क्योंकि भगवान तिरुपति की आस्था पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत भर में है। तो ये तो हो गई नेताओं की बात, अब जरा साधु संत क्या कह रहे हैं इसको लेकर, सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। ये मुख्यमंत्री पद पे जाते हैं तो देखो कैसे प्रसाद जी हाथ करते हैं, अगर कितना इनको इनके अंदर घृणा भरा पड़ा है आप बताइए। हिंदू सनातनी मंदिर और उसमें दूसरे आप आस्था जिसकी नहीं है उसको तुम रख रहे हो, क्या किसी वक्फ बोर्ड में हिंदू है क्या, क्या किसी और क्रिश्चियन की जो ट्रस्ट है पोप के जो संस्थान है उसमें कोई हिंदू है क्या? तो नहीं है तो आखिर यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं नेक्सस है, जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ आपत्ति इनको हिंदू सनातनियों से है। इसलिए मेरा मानना है जिसे तुरंत जेल जाता है, इनको भी अंदर जाना चाहिए, इनके सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जब खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे अंतर मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। तो प्रसाद में मिलावट की खबर को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी चिंता प्रकट की है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरे सहयोगियों ने जब मुझे वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद दिया तो उनके दिमाग में भी तिरुपति मंदिर की बात सामने आई। श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का, मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊंगा तो जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे लगा मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया, मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो का जो प्रसादम मिलता है उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है जो जिसको हम ये बहुत अपवित्र जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में, तो इसको पाप कहा गया है।